आप सभी नए पुराने सब्सक्राइबर और साथ ही साथ विद्यार्थियों को मेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं भाषा मंजरी हिंदी के पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठ मित्रता का प्रश्न उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न संख्या एक, आप किस प्रकार कह सकते हैं कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्त पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है? उत्तर के तौर पर बच्चों, मित्रों के चुनाव की उपयुक्त पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगीत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। और यदि अच्छी संगति, अच्छे मित्र मिलते हैं तो वे हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरी संगति हमारे जीवन को खाक में मिला देती है। प्रश्न संख्या दो, विश्वास पात्र जीवन की एक औषध है, आशा स्पष्ट करें। उत्तर के तौर पर बच्चों, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। ऐसा इसीलिए कहा गया है, यदि हमें विश्वासी मित्र मिल जाए तो अपने जीवन में जैसा चाहे वैसे कदम की और हम बढ़ सकते हैं, हमें सही दिशा की ओर उन्मुख करेगा, हम अपनी गलती रूपी बीमारी लोचना रूपी औषधि से दूर कर सकेंगे। प्रश्न संख्या तीन, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मित्र का चुनाव करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे अच्छे विचारों पर दृढ़ करने वाले हो, हमें दोषों और त्रुटियों से दूर रखें, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को पुष्ट करें। जब हम जीवन मार्ग में हतोत्साहित हो तो हमें उत्साहित करें, वो बुद्धिमान हो, हमारे आनंद में सम्मिलित हो, इन सारे गुणों का होना उसमें आवश्यक है। चौथे प्रश्न के तौर पर बच्चे, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छे से अच्छी माता का साथ धैर्य करने वाला होता है। इस पंक्ति के आधार पर अच्छे मित्र की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर के तौर पर बच्चे, इस पंक्ति में एक अच्छे मित्र को वैद्य की सी निपुणता और परख वाला बताया गया है। जिस प्रकार एक वैद्य रोग को आसानी से जान लेता है और रोग की प्रकृति और संक्रामकता के अनुसार इलाज करता है, इलाज में चाहे उसे कड़वी दवा देनी पड़े फिर भी नहीं हिचकता, उसी प्रकार मित्र को भी कठोर निर्णय लेने में नहीं हिचकना चाहिए और अपनी आलोचना रूपी दवा से मित्र का भला करना चाहिए। मित्र में माँ जैसा धैर्य होना चाहिए, ताकि जब तक वह धैर्यपूर्वक मित्र को सच्चे मार्ग की ओर उन्मुख कर सके। मित्र की कोमलता भी होनी चाहिए, क्योंकि कोमल स्वभाव ही किसी के दुख से परिचित कराता है,